में हम बी सप्लाईन कर्व के लिए कोडिंग कर रहे थे तो इसी सिलसिले में हमने यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया था फर्स्ट ऑर्डर बेसिस बी सप्लाईन फंक्शन के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया था और ऑर्डर बी बेसिस के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया था और इसी तरह हमने थर्ड और फोर्थ ऑर्डर के लिए भी uh,

फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑर्डर बी अपलाइंड फंक्शन को एक जर्नल कोड uh, में हम उसको मर्ज कर देंगे कि हम उस कोड से किसी भी ऑर्डर के लिए बी अप्लाइंड बेसिस फंक्शन जनरेट कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट सबसे पहले हम फंक्शन का वही फॉर्मेट फंक्शन हमने नाम दिया फंक्शन को एन क्योंकि हमने यहाँ पे एन वन एन टू एन थ्री इससे नहीं दिया क्योंकि हम इससे किसी भी ऑर्डर का बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन जनरेट कर सकते हैं तो जनरल ऑर्डर बी बेसिस फंक्शन इसके लिए जो हमें इनपुट्स चाहिए होंगे वो हमें नॉट वैक्टर टी चाहिए होगा पैरामीटर वैक्टर एक्स चाहिए होगा सी सी यहाँ पे हमें बताएगा कि हमने कित कौन से ऑर्डर का बी सप्लाइंड बेसिस फंक्शन जनरेट करना है सैंपल साइज हमें पता होना चाहिए एन वन यानी कि हमें फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन की इसमें जरूरत पड़ेगी इससे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन को भी जरूर आ, आ, पहले कोडिंग कर लेनी है के यानी के जो हमारा ऑर्डर ऑफ द कर्व है वो सी हमें बताएगा कि हमने उस के ऑर्डर के लिए कौन से ऑर्डर के कर्व बनानी है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास थ्री है के थ्री है तो हम फर्स्ट ऑर्डर बी अपलाइन बेसिस फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर बी अपलाइन बेसिस फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं उससे थर्ड ऑर्डर बी अपलाइन बेसिस फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ हमने सी चूज करना है फिर हमें बताना है कि हमारी जो नॉट वैल्यूज हैं नॉट वेक्टर है वो पीरियोडिक है या ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर है ओके okay? तो यहां हमें ये सारे इनपुट्स चाहिए होंगे m1 एक वेरिएबल लिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टी एम टू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स यानी कि लेंथ ऑफ नॉट वैल्यू वेक्टर और लेंथ ऑफ पैरामीटर वेक्टर अच्छा जी अब हमें ये भी पता है कि एन इज तब से पहले हम अपने जो मैट्रिक्स है अपना जो आउटपुट हमने जनरेट करना है उसको हम एक मैट्रिक्स जनरेट कर लेते हैं फॉर्म ऑफ जीरो सारे एलिमेंट्स हम जीरो नंबर ऑफ कॉलम है वो एम टू है नंबर ऑफ रोज हमें क्या बताती है नंबर ऑफ रोज हमारे पास उतनी होती है जितने हमारे बी सप्लाइड बेसिस फंक्शन क्रिएट हो सकते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइंड बेसिस फंक्शन की बात करें तो वो हमारे पास एम वन माइनस यानी कि लेंथ ऑफ टी जितने हमारे पास नॉट वैल्यूज होंगी माइनस सी माइनस वन अगर फर्स्ट की बात करें अगर सेकेंड की बात करें तो माइनस टू अगर थर्ड की बात करें तो माइनस थ्री इसी तरह ये हमें नंबर ऑफ रोज में हमारे पास नंबर ऑफ बी अपला बेसिस फंक्शन आ जाते हैं और एम टू हमें क्या बताता है कि हमारे कॉलम्स कैसे होंगे कि हर पैरामीटर uh, वैल्यू के लिए यानी कि पैरामीटर की हर वैल्यू के लिए उसके क्रॉस्पॉन्डिंग जो बी अप्लाइंट फंक्शन बेसिस फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमारे कॉलम्स में आ जाएगी ओके okay? तो ये हमारी डायमेंशन है एन uh, मैट्रिक्स की ओके okay, सबसे पहले हम एन को एन वन के इक्वल ले लेते हैं बेसिकली हमने क्या करना है हमने लूप चलानी है जितना हमने सी यानी कि जितने हमने ऑर्डर जनरेट uh, करने हैं उतनी हमें लूप चलानी है क्यों क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा रिकर्सिव फार्मूला है उसमें हमें अगर एन थ्री जनरेट करना है तो हमें उसके लिए एन टू की जरूरत पड़ेगी डेट्स वाई हमें पूरी लूप चलानी पड़ेगी सी तक ओके okay, तो सबसे पहले n is equal to n one ले, ले लेते हैं यहां पे हम for one is equal to two से लेके c तक ठीक है two से लेके c तक हमने लूप चला दिया यहाँ पे l फॉर l is equal to two से लेके c तक हमने एक लूप चला दी है ओके जैसे okay? तो पहले हमने कहा d is equal to l है ठीक है यहां हमने d क्या लिया हुआ है कि जिसके लिए हमने फंक्शन सप्लाई अप्लाइंड बेसिस फंक्शन जो ऑर्डर का हमारे पास बन रहा है वो है एल यहाँ पे हम सबसे पहले एल को टू लेंगे तो हमारे पास डी टू आ जाएगा जब हम एल को थ्री लेंगे तो डी थ्री आ जाएगा जब हम एल को फोर लेंगे तो मतलब सी लेंगे तो डी सी आ जाएगा ठीक है अब हम पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास जो नॉट वैक्टर है वो पीरियोडिक है तो k1 वन इज इक्वल टू वन है एंड k2 टू इज इक्वल टू एम वन माइनस डी है अब ये k1 और k2 क्या है वन हमारे पास वो वैल्यू होती है कि हमारे पास पहला जो आ, बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन बनता है नॉन जीरो पहला नॉन जीरो बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन कौन सा होगा तो आपको पता है अगर हमारे पास पीरियोडिक नोट्स होती है तो हमारे पास पहला जो होता है वो पहला ही होता है यानी कि अगर एन हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो एन वन वन अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करें एन वन टू अगर थर्ड ऑर्डर की बात करें एन वन थ्री ये हमारे पास पहला नॉन जीरो बी सप्लाइंड बेसिस फंक्शन होता है तो हमारे पास के वन पीरियोडिक केस में वन आ जाता है लेकिन जब हम आखिरी बी सप्लाइंड बेसिस फंक्शन की बात करें तो वो हमारे पास होता है के टू इज इक्वल टू एम वन माइनस डी के टू इज इक्वल टू एम वन माइनस डी फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ ऑफ टी हमारे पास यानी कि नॉर्थ वेक्टर की लेंथ सेवन है और हमारे पास जो डी है यानी कि जो हम जिस ऑर्डर का बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन बना रहे हैं वो हमारे पास टू है तो सेवन माइनस टू इज इक्वल टू फाइव तो इतने हमारे पास नॉन जीरो बी सप्लाइंट बेसिस फंक्शन बनेंगे ओके okay? अदरवाइज अगर हमारे पास जो नॉट वेक्टर है वो पीरियोडिक नहीं होगा बल्कि हमारे पास नॉट वेक्टर जो है वो ओपन यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में हमारे पास जो पहला नॉन जीरो बनता है बी बेसिस फंक्शन वो के वन इज इक्वल टू के माइनस डी माइनस वन के बराबर होता है और जो लास्ट बनता है वो के टू इज इक्वल टू एम वन माइनस के के बराबर होता है लाइक दिस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दिस इज

K1 से K2 तक के लिए ये हमें जनरेट करने हैं। हमें मिल गए हमें कितने कहा से कहा तक लूप चलाएंगे K1 से K2 तक हमें ये वाले जो बीस अपलाइन बेसिस फंक्शंस हैं ये जनरेट करने बाकी क्यों नहीं करने क्योंकि वो जीरो हैं और हमने ऑलरेडी जीरो वाला मैट्रिक्स सेव किया हुआ है उनको हमें जरूरत नहीं है करने की लेकिन अगर हम लूप चलाएंगे तो आप देखिए हम के वन से के टू तक के लिए लूप नहीं चला सकते क्यों नहीं चला सकते हमें के वन के लिए अलग लूप चलानी पड़ेगी और के टू के लिए अलग चलानी पड़ेगी बाकी के वन प्लस वन के लिए एक साथ के वन प्लस वन से लेके के टू माइनस वन तक हमें फिर एक लूप चलानी पड़ेगी यानी कि हमें यहाँ पे तीन अः पोर्शन में हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिए एक i इक्वल टू के वन के लिए एक i इक्वल टू के वन प्लस वन से लेके के टू माइनस वन के लिए और एक आईज इक्वल टू के टू के लिए आईज इक्वल टू के वन में और आईज इक्वल टू के टू में हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी आइए देखते हैं देखिए जब हमारे पास ये हमारे पास होता है रिकर्सिव फॉर्मूला जब हमारे पास आईज इक्वल टू के वन होगा फॉर यूनिफॉर्म ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर पीरियोडिक में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती लेकिन ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर में देखिए अगर हमारे पास के वन हमारे पास क्या है के माइनस डी प्लस वन यहाँ जब हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म में में प्रॉब्लम आती है तो उसी हम आई की जगह अगर के माइनस डी प्लस वन पुट करें इन द दोमिनेटर आप देखिए सॉरी इन डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे आई की जगह के माइनस डी प्लस वन पुट किया यहाँ पे भी आई की जगह के माइनस डी प्लस वन पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे एक्स k माइनस डी आ गया और यहाँ पे माइनस एक्स माइ एक्स इन के माइनस डी प्लस वन आ गया ये दोनों नंबर्स k माइनस डी और k माइनस डी प्लस वन ये दोनों नंबर k से छोटे हैं ये दोनों नंबर्स k से छोटे हैं k माइनस डी भी k से छोटा है और k माइनस डी प्लस वन भी k से छोटा है क्योंकि d जो हमारा है वन से बड़ा है ओके okay? तो यहां हमारे पास ये दोनों नंबर या तो के के इक्वल हैं या फिर के से छोटे हैं ओके okay, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है देखिए हमें पता है कि ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर में हमारे पास जो फर्स्ट के नॉट वैल्यूज होती हैं वो जीरो के इक्वल होती हैं। तो ये भी फर्स्ट के नॉट वैल्यूज में से है ये भी फर्स्ट के नॉट वैल्यूज में से है तो यहां पे हमारे पास जीरो माइनस जीरो आ जाएगा फर्स्ट टर्म में समथिंग ओवर जीरो इज अनडिफाइंड तो ये हमारे पास एरर क्रिएट करेगा इसलिए हम सिर्फ फॉर के वन जो है हम सिर्फ सेकेंड टर्म लिखेंगे फॉर द रिकॉर्मूला फॉर द ओपन यूनिफॉर्म नॉर्ट वैक्टर इसी तरह अगर हम के टू की बात करें के टू फॉर द ओपन यूनिफॉर्म नॉट वैक्टर हमने कहा था एम वन माइनस के होता है एम वन इज द लेंथ ऑफ नॉट वैक्टर और वो हमें पता है क्या होती है एन प्लस के प्लस वन तो यहां पर हमने एम वन माइनस पुट कर दिया आई की जगह और सेकंड टर्म सिर्फ देखिए इसमें सेकंड टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करिए तो यहाँ पे देखिए हमें पता है एम वन होता है एन प्लस के प्लस वन हमने देखा था कि नॉट वेक्टर की लेंथ क्या होती है एन वन प्लस एन प्लस के प्लस वन तो यहाँ पे हमने एन वन की एन एम वन की वैल्यू भी पुट कर दी और उसके बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक्स एन प्लस वन प्लस डी आया है और माइनस एक्स एन प्लस टू आया है हमें एक और बात पता है अबाउट ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर्स के एन प्लस टू से लेके एन प्लस के प्लस वन तक हमारे पास जो नॉट वैल्यू होती है वो एन माइनस के प्लस टू होती है यानी कि सेम होती है ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास ये एन प्लस टू है और ये भी हमारे पास उससे एन प्लस के प्लस वन से छोटी टर्म है एन प्लस टू के से बड़ी और एन प्लस के प्लस वन से छोटी टर्म है क्योंकि डी है छोटा है के इक्वल तो K, K है या डी के के इक्वल है या K से छोटा है तो यहां पे हमारे पास ये भी सेम सेम है है ये भी a की वैल्यू आएगी दोनों नॉट वैल्यू सेम है तो यहाँ पे जब जीरो हो जाएगा ये समथिंग ओवर जीरो क्रिएट करेगा तो हम फोर आईज इक्वल टू के टू ओनली हम फर्स्ट टर्म लेके चलेंगे ऑफ द रिकर्सिव फॉर्मूला ओके okay. तो अब आप देखिए हमने यहां पे आईज इक्वल टू के वन के लिए सिर्फ सेकेंड uh, टर्म लिखी है ओके okay? यहां पे हमने सिर्फ सेकेंड टर्म लिखी है और फॉर आईज इक्वल टू के वन के लिए अगर पीरियोडिक है तो दोनों टर्म्स हैं यहां पे ठीक है लेकिन अगर हमारे पास पीरियोडिक uh, नहीं है बल्कि हमारे पास जो नॉट वैल्यू नॉट वेक्टर है वो ओपन यूनिफॉर्म है तो उसमें हमारे पास सिर्फ सेकेंड टर्म आएगी आई प्लस वन वाली ओके और इसी तरह फॉर i इक्वल टू के टू की बात करें तो उसमें भी हमारे पास सिर्फ सेकेंड टर्म आएगी ओके okay, अब आप देखिए यहाँ पे हमने एक और काम किया हुआ है कि हमने J1 और J2 दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं ये क्या वेरिएबल्स हैं ये मैं अब आपको बताती हूँ क्योंकि हमें नॉट वैल्यूज पे सॉरी पैरामीटर वैल्यूज पे हमें फंक्शंस की वैल्यूज लेनी है ठीक है फंक्शन की वैल्यूज कंप्यूट करनी है अब ऐसा तो नहीं कि हम सारे पैरामीटर वैल्यू के लिए करेंगे दे आर सो मैनी पैरामीटर वैल्यूज बहुत लंबी लिस्ट है तो हमने अपने कंपिटिशनल एफर्ट को कम करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास नॉन जीरो वैल्यूज पर आएंगी क्योंकि आप देखिए अगर हम थर्ड ऑर्डर के बी बीस फंक्शन की बात करते हैं तो हम एक्स आई नॉट वैल्यू से लेके एक्स आई प्लस थ्री नॉट वैल्यू तक ही हमें नॉन जीरो वैल्यूज मिलती है फॉर एन आई थ्री तो इसीलिए हमने जे वन डिसाइड किया और जे टू के हमारे पास जे वन से लेके जे टू हमारे पास डिसाइड करेगा कहाँ तक हमें पैरामीटर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करने की जरूरत है कहां तक हमारे पास फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो आएगी तो यहां से हमने इसीलिए J1 और J2 ले लिया है J1 वन इज इक्वल टू आई माइनस वन मल्टीप्लाई सैम्पल साइज प्लस वन तो ये हमारे पास एक्स आई बन जाएगा ओके और यहां से हमारे पास J2 है J1 वन प्लस डी मल्टीप्लाई साइज डी हमारे पास जो भी ऑर्डर है मल्टीप्लाई बाय साइज माइनस माइनस वन क्यों है क्योंकि हमारे पास इस साइड से ओपन होता है तो हमने एक पिछला ले लेना है पैरामीटर वैल्यू ओके आई थिंक आपको समझ आ गई होगी यहाँ हमने इसीलिए आई से लेके जो कॉलम्स हैं उसमें जे वन कॉलम जे टू लिखा है कि जे वन से लेके जे टू तक की वैल्यूज के लिए सिर्फ ये कंप्यूट करेगा फंक्शन uh, की वैल्यूज ओके okay. और फिर उसके बाद हमने लूप चलाई के वन प्लस वन से लेके के टू माइनस वन तक तो फॉर पीरियोडिक एंड फॉर ओपन दोनों के लिए ये सेम है यानी पूरा रिकर्सिव फॉर्मूला है उसके बाद के टू के लिए हमने लिखा uh, सिर्फ हमने इसमें फर्स्ट टर्म ऐड की है सेकंड टर्म ऐड नहीं की फॉर द ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर लेकिन फॉर द पीरियोडिक हमने दोनों टर्म्स ऐड करनी है ओके okay? सो so, उसके बाद हम इसको अपने मेन कोड में यूज करेंगे आपको पता है मेन कोड में सबसे पहले हम एन की वैल्यू देंगे के की वैल्यू देंगे फिर हम बताएंगे नॉर्मलाइज हमने करना है अपने नॉट वेक्टर नॉट वेक्टर को या नहीं करना अगर करना है तो हम उसके लिए वन वैल्यू दे देंगे नॉर्मलाइज को अगर नहीं करना तो हम जीरो ही रहने देंगे फिर हम बताएंगे कि हमारा जो यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर और पीरियडिक है या ओपन है अगर पीरियडिक है तो हम इसको वन वैल्यू दे देंगे अगर ओपन है तो हम इसको जीरो वैल्यू दे देंगे फिर हम बताएंगे कि हमने सी क्या रखना है यानी कि हमें कौन से ऑर्डर तक कौन से ऑर्डर का जो फंक्शन है या प्लॉट है वो क्रिएट करना है उसके बाद हमने यहाँ पे टी और रेंज यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर जनरेट किया था उसको यहाँ पे यूज करना है फिर एज अ बिल्ड इन फंक्शन अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज करना है फिर हमने सैंपल साइज बताना है हमने क्या रखना है जितना ज्यादा हम सैंपल साइज रखेंगे उतनी स्मूथ हमारी कर्व बनेगी फिर हमने यहाँ पे पैरामीटर वेक्टर जनरेट किया लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था यू कैन सी फ्रॉम दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो उसके बाद हमने पैरामीटर वेक्टर के बाद हमने एन वन यूज किया है एन वन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर बी अपलाइंट फंक्शन जो हमने बनाया था उसको यूज किया है देन हमने अपना जर्नल फंक्शन का जो भी कोड बनाया है उसको यूज किया है प्लॉटिंग की है लाइक बिल्कुल उसी तरह से हमने पहले की थी ठीक है फिर उसके बाद यानी कि पहले पहला प्लॉट कर लिया फिर होल्ड ऑन होल्ड ऑफ करके बाकी तमाम प्लॉटिंग ग्राफ्स प्लॉट कर लिए हैं ओके फिर उसके बाद हमने क्या किया है अब हम अपनी वैल्यूज दे दे के चेक करेंगे कि आया हमारे ग्राफ्स ठीक बन रहे हैं या नहीं बन रहे तो सबसे पहले हमने पीरियोडिक को जीरो रखा यानी कि ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर्स और सी को टू रखा यानी कि सेकेंड ऑर्डर कर्व के लिए और के हमारे पास थ्री है ओके इसके लिए जब हमने आ, ग्राफ बनाया तो एज वी एक्सपेक्टेड हमारे पास ये ग्राफ आ गया जब हमने सी पीरियोडिक को वन रखा तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया यानी कि पीरियोडिक नॉट वेक्टर्स के लिए हमारे पास ये ग्राफ आया है ऑर्डर बी सप्लाइंग बेसिस ओके अब हम सी को थ्री रख रहे हैं यानी कि थर्ड ऑर्डर बी सप्लाइंग बेसिस फंक्शन का ग्राफ देखना चाहते हैं फॉर पीरियोडिक इज इक्वल टू वन यानी के पीरियोडिक यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर्स के लिए तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया है और जब हमने ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर के लिए ग्राफ बनाया तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया है फॉर सी इज इक्वल टू थ्री यानी थर्ड ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन का सो इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट दिस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो लास्ट लेक्चर के uh, जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं थैंक यू सो मच नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनली बी सप्लाइन कर्व जनरेट कर लेंगे उसका हम एटलेप कोड बनाएंगे सो थैंक यू सो मच